12 अक्टूबर को पीएम मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया था, जिसमें से 132 केवी पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट भी शामिल था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल लोकार्पण के 4 महीने पहले ही इस लाइन पर 33 केवी की बिजली दौड़ाई जा रही है, जबकि ये लाइन 132 केवी की बनाई गई है। इस लाइन पर 132 केवी की सप्लाई इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सबस्टेशन का काम ही अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। वहीं सबस्टेशन के निर्माण के लिए अभी टेंडर प्रक्रिया चल ही रही है। ऐसे में यहां सवाल ये उठता है कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री से लोकार्पण क्यों करवाया गया। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस का कहना है कि ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने झूठ और फरेब से प्रधानमंत्री पद को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा का भी षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आती। उन्होंने प्रधानमंत्री को हास्य का केंद्र बना दिया और ऐसी योजना का लोकार्पण करवा दिया जिसका काम ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री की छवि पर भाजपा ने एक दाग लगा दिया है। बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है कि आपने प्रधानमंत्री जैसे पद को भी नहीं बख्शा। अपने झूठ और फरेब से भाजपाई बाज नहीं आते हैं, छलावा करने से, षड्यंत्र करने से और झूठ और फरेब से। प्रधानमंत्री का दौरा, इतने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत उत्तराखंड ने किया, गाजे बाजे के साथ विज्ञापन छापे गए, अखबार पटे पड़े हुए थे 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, और अब जब वो सब कुछ करके चले गए तो इतने बड़े स्तर पर किरकिरी, उपहास और मजाक का केंद्र बना दिया आपने प्रधानमंत्री को। ऐसी योजना का लोकार्पण करा दिया जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। लोकार्पण का मतलब ही यही होता है कि कोई योजना पूरी हो गई हो और जनता को समर्पित हो गई हो, उस योजना का लोकार्पण कराया जाता है गणमान्य व्यक्तियों से। लेकिन यहाँ तो योजना अभी आधी भी पूरी नहीं हुई, बिजली घर तक नहीं बना और आपने जो है रिबन कटवा दिया। तो ऐसी क्या होड़ थी, ऐसा गरम गरम खाने की क्या जिद थी कि आप अपना मुंह जला बैठे। आज आपने प्रधानमंत्री के नाम पर, उनके रसूख पर, उनकी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा, एक बदनुमा दाग लगाया है और विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये बात थी तो निश्चित रूप से उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।